हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 23rd 2021। तो आज की पहली करंट अफेयर जो है, इट्स अबाउट वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे की बात करें तो 22 सितंबर को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एम है कि अवेयरनेस फैलाई जाए एशियन और अफ्रीकन स्पीशीज जो है राइनोज की, उनके लिए। इसको अनाउंस किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका ने 2010 में, और तब से ही ये हर साल 22 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इससे ही रिलेटेड एक न्यूज और है, वर्ल्ड राइनो डे पर ही लगभग 2500 हॉर्न्स जला दिए गए हैं असम में। ठीक है, असम में क्या किया गया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉकपाइल जो था राइनो हॉर्न्स का, उसको जला दिया गया है। और कहाँ पर यह है, बोकाखत हेडक्वार्टर्स काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का, वहां पर। और साथ ही ये क्यों किया गया है, ताकि जो मिथ्स है उनको खत्म किया जा सके, और इन मिथ्स की वजह से ही इलीगल हॉर्न ट्रेड होता है और पोचिंग होती है राइनोस की। तो कहीं ना कहीं ये एम है कि इनसे जो मिथ है वो खत्म हो और हॉर्न ट्रेड जो है या पोचिंग राइनोस की वो कम हो। नेक्स्ट इज, जैसा आप जानते हैं कि कल ही ये न्यूज आई थी कि यूके जो है उन्होंने कहा था कि कोविशील्ड जो है, उस जो भी वैक्सीनेटेड होगा कोविशील्ड से तो उसको अनवैक्सीनेटेड ही माना जाएगा, और यूके में जाने पर उसको 10 डेज क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, और ऑफकोर्स यूके ने इन रिटर्न कोविशील्ड जो है उसको रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। दैट्स अ गुड न्यूज। तो जैसा मैंने कहा, यूके हैज रिकॉग्नाइज्ड कोविशील्ड वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और कब से इफेक्टिव होगा ये, 4 बजे से, सुबह 4 बजे से, अक्टूबर 4 से। ठीक है, उसके पहले नहीं, अक्टूबर 4 से सुबह 4 बजे। नेक्स्ट इज, मैंगलोर यूनिवर्सिटी जो है उनको पेटेंट मिल गया है एक एंटी कैंसर कंपाउंड इन्वेंशन के लिए। क्या है ये, देखा जाए तो कैंसर जो है उसकी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, कीमो और रेडियोथेरेपीज जो है उसकी हेल्प से इसको मिटिगेट किया जाता है, बट स्टिल एक थ्रेट है बहुत बड़ा। ठीक है, मैंगलोर यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट पेटेंट मिला है उनको, और दो प्लांट रिसर्चर्स जो है के आर चंद्रशेखर और भाग्य नेकरा कलया जो है उनको ये एंटी कैंसर ड्रग कंपाउंड की रिसर्च के लिए पेटेंट मिला है। ठीक है, ये जो है इन्वेंशन, इसको टाइटल दिया गया है अ प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ टेट्रांड्राइन। टेट्रांड्राइन इज एन एंटी कैंसर कंपाउंड। ठीक है, टेट्रांड्राइन जो है यही एंटी कैंसर कंपाउंड है, और इसी को पेटेंट दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज, जो बाइडेन जो है आप जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा है कि अब आधा बिलियन और हाफ अ बिलियन फाइजर वैक्सीन डोजेस जो है वो पुअर कंट्रीज को देंगे। ठीक है, अब आपको लगेगा कि इसमें क्या फायदा होता है, वैक्सीन जो है वो पुअर कंट्रीज को क्यों दी जा रही है। तो इट्स सेम जब पोलियो जो है वो बहुत सारी कंट्रीज से एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, एलिमिनेट ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज थे स्पेशली पुअर कंट्रीज, तो वहां पर ये नहीं हुआ था एलिमिनेट। और इसके जो आप ड्रॉप्स जानते हैं, पोलियो ड्रॉप्स, ये ओरिजिनली बहुत ज्यादा महंगी होती है, बट स्टिल ये फ्री में प्रोवाइड की जाती थी जो जिन कंट्रीज से पोलियो नहीं गया था। रीजन क्या है, यही जो है एप्लीकेबल रीजन, कि जैसे आज पोलियो किसी पुअर कंट्री में है तो वो कहीं ना कहीं किसी डेवलप्ड कंट्री में ना जाए, तो इस वजह से हर जगह से पोलियो का ख़त्म होना ज़रूरी है। उसी तरीके से कोविड जो है, हम जानते हैं कि कितना डेडली है और कितना हाई रेट से फैलता है, तो हर जगह से इसको एलिमिनेट करना है। ऑल्दो उसमें टाइम लगेगा, पर जितना जल्दी हो सके इसको एलिमिनेट करना है, तो वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है पुअर कंट्रीज को, ताकि वहां से भी एलिमिनेट हो सके और वर्ल्ड से ये पूरी तरह खत्म हो जाए। सो टोटल नंबर ऑफ डोजेस जो यूएस सेंड कर रहा है अब्रॉड में, तो कितना है वो, 1.1 बिलियन। ठीक है, 1.1 बिलियन डोजेस, और जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने अनाउंस किया है ये फाइजर
COVID-19 के जो वैक्सीन डोजेज है वो ये सेंड करेगा। नेक्स्ट इज अजय बंगा जो है वो मास्टर कार्ड से रिटायर होने वाले हैं ऑन December 31st। अजय बंगा जी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक डेकेड तक मास्टर कार्ड के सीईओ रहे हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रोल में ये फरवरी से रहे हैं, इस साल फरवरी से स्टार्ट किया और काफ़ी स्मूथ इनका ट्रांजिशन रहा है। ठीक है, फरवरी में ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने, इसके पहले ये सीईओ थे। और देखा जाए तो अजय बंगा जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडियन अमेरिकन कॉरपोरेट लीडर्स है और एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है उसके लिए। और ये मास्टर कार्ड से रिटायर होने वाले हैं 31st of December को, एज वी सो। नेक्स्ट इज काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, सोनी यूनिट जो है उन्होंने जी एंटरटेनमेंट को खरीद लिया है और अब ये डोमिनेट करेंगे ब्रॉडकास्ट मार्केट को। देखा जाए तो इंडियन एंटरटेनमेंट यूनिट जो है लोकल राइवल जी को खरीदेगी और ये जो चैनल्स है ये दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जो फिल्म असेट है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टर हो जाएगा कंट्री में और नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे जो ब्रॉडकास्टर्स है उनसे कहीं ना कहीं ये कम्पीट करना चाहता है। नेक्स्ट इज पीएम हसीना जो है उनको SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पीएम शेख हसीना बांग्लादेश की जो पीएम है, शेख हसीना जी जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द डे। यूएन स्पॉन्सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है उन्होंने शेख हसीना जी को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड दिया है। ठीक है, बांग्लादेश की ये पीएम है और क्योंकि ये कहा गया कि इनने एक्शन लिए है पॉवर्टी को एंड करने के लिए और प्लैनेट प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही पीस और प्रोस्पेरिटी को एंश्योर करने के लिए। एंड द लास्ट न्यूज इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है कोवलम को। कोवलम कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, कोवलम जो है वो केरला में है और कोवलम के अलावा एक बीच और है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ईडन बीच जो पुदुचेरी में है। ठीक है, दो है, एक तो कोवलम जो है वो केरला में है और ईडन बीच जो है वो पुदुचेरी में है। द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क ये देता है ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन। ठीक है, 8 बीचेस जो है जिसमें शिवराजपुर गुजरात का है, घोगला दीव का है, कासरगोड जो है और कप्पड़ केरला में है, पुदुबेदरी जो है वो कर्नाटका में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन ओडिशा में है और राधानगर अंडमान और निकोबार में है। ब्लू फ्लैग रिकॉग्निशन इज अवार्डेड बाय अ जूरी कंप्राइजिंग मेंबर्स फ्रॉम, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसमें, कौन कौन सी यूनिट्स के मेंबर्स होते हैं, IUCN के, UNWTO, UNEP और UNSCO के मेंबर्स होते हैं और 33 पार्टनर्स हैं इसके। सो एंड ऑफ द न्यूज एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है, एक तो लाइक करना है और दूसरा शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।